मित्रों नमस्कार, मैं हूं बैजनाथ प्रजापति। मेरे चैनल ब्लैक पॉटरी निजामाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत विशिष्ट चीज बताने का प्रयास करूंगा। ब्लैक पॉटरी हमारी विश्व प्रसिद्ध पॉटरी है, उस पर डिजाइन बनती है जो सिल्वर कलर की चमकती है, क्योंकि ब्लैक कलर का बर्तन होता है और उस पर उसका एंटीजस्ट सिल्वर, ये इसका कम्बिनेशन एक अलग सा खूबसूरती पैदा करता है। उसी सिलसिले में आज वीडियो के अगले इस कड़ी में मैं बता रहा हूँ कि इस पर जो डिजाइन जो बनती है फ्री हैंड से कैसे बनता है। तो मित्रों आइए मैं आपको बताता हूँ डिजाइन क्या है। मित्रों देखिए, ये हमारे यहाँ डिजाइन जैसे ये बना हुआ है, हमने बताया ब्लैक पे सिल्वर कलर की जो है चमक ही ब्लैक पॉटरी को अच्छा बनाती है। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये एक फ्लावर पॉट है जिस पर ये फूल बना हुआ है। अब ये कैसे बनता है इसको हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो देखिए ये यहाँ पे ये कार्य प्रारंभ हो गया है। देखिए ये फ्री हैंड से जो भी फ्लावर बनते हैं वो फ्री हैंड से बनाए जाते हैं, इसी कोई मशीन नहीं है, इसलिए इसको हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सारे आइटम हाथ से बनते हैं, इसमें मशीन का प्रयोग होता नहीं है, और मशीन या मोल्ड का प्रयोग ना होने की वजह से इसकी अनलिमिटेड डिजाइनें हैं। जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कुछ और डिजाइन का फ्लावर पॉट, जस्ट एक मिनट। देखिए ये अभी इस पर डिजाइन बना नहीं हुआ है, फिर इस पर भी डिजाइन बनेगा ये अपने आप में। तो अगर हम ये किसी मशीन या किसी मोल्ड या मॉड से बनाएंगे तो बहुत सारे परेशानियाँ होंगी। कोई के मन में आया कि डिजाइन अलग हो तो पॉसिबल नहीं कि डिजाइन अलग बन सके। तो यह हाथ से बनता है, जैसे डिमांड होती है उसके हिसाब से डिजाइन बना ली जाती है। तो इसी कड़ी में हम आपको बता रहे थे फ्लावर कैसे बनते हैं। तो देखिए ये फ्लावर बनाया जा रहा है फ्री हैंड से। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कैसे बन रहा है, इसी कोई मतलब बिल्कुल सधे हुए हाथों से बन रहा है, और ये काफ़ी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। देखिए फ्री हैंड से बनाया जा रहा है, अभी कुछ ही देर में ये पूरा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा बट आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि मिट्टी के बर्तन पर डिजाइन कैसे बन रही है। ये डिजाइन परमानेंट बनेगी, जब तक ये पॉट रहेगा तब तक ये डिजाइन रहेगी। यूँ कहे टूटने के बाद भी जहाँ बचे रहेगा तो वहाँ डिजाइन आपको दिखती रहेगी। अब ये देखिए लोहे की तीली से बन रहा है ये हाथ से, जैसे आप बच्चे सीखते हैं कला बनाते हैं कापियों पर, उसी तरह से ये बनाया जा रहा है। देखिए अब लगभग फूल तैयार होने जा रहा है, ऐसा कोई नाप जोक नहीं है, बस माइंड में चल रहा है फ्री हैंड से कैसे फ्लावर बनाया जा रहा है। ये कला काफ़ी पुरानी कला है, यही कला निजामाबाद को और जगह से अलग करती है, जिसे हम ब्लैक पॉटरी के नाम से जानते हैं। देखिए ये ऐसा फूल हमने बनाया था कोरल ड्रा में, आज देखिए बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटराइज फूल आपके सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल कोरल ड्रा का। तो अभी देखिए इसकी टहनियाँ बन रही हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मित्र ये वीडियो देने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए कि आखिर ब्लैक पॉटरी पर जो डिजाइन बनती है कैसे बनती है। आप सोच सकते हैं, मेरा उद्देश्य भी है मैं आपको मिट्टी के बर्तन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ और उसके बारे में बता सकूँ, उसकी उपयोगिता बता सकूँ। इसी सिलसिले में आज मेरा ये वीडियो है ब्लैक पॉटरी पर डिजाइन कैसे बनता है। देखिए आपके सामने देख टहनियाँ बन गई, अब पत्तियाँ बन रही है, और ये कलाकार के दिमाग की उपज होती है कि कैसा पॉट है तो कैसा फ्लावर पॉट के हिसाब से फूल बनना चाहिए। अभी ये लॉन्ग किस्म का फ्लावर पॉट है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल लॉन्ग है, जिससे फूल लॉन्ग तरह से मतलब लंबे बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ गोल मॉडल होंगे तो उसमें टहनियों उसमें उसके ब्रांचेज
और अलग से फूल बन जाते हैं, कई फूल बन जाते हैं। चूँकि ये फ्लावर लंबा है इसलिए एक फूल बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ पत्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये देखिए, तो मित्रों मैं एक ख़ास बात ये बताना चाह रहा था, ये ब्लैक पॉटरी उपयोगिता इसकी क्या है। देखिए ये ब्लैक पॉटरी कोई भी घर हो तो ब्लैक पॉटरी, पॉटरी का मतलब मिट्टी का बर्तन, तो हर घर में कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी रूप में हो, फ्लावर पॉट के रूप में हो, हांडी के रूप में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ये होना चाहिए। ये पॉजिटिविटी मतलब आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है, निगेटिव ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और घर में खुशहाली पैदा करता है। तो इसीलिए मिट्टी के बने हुए फ्लावर पॉट ज़्यादा फेमस हैं और काले हैं। तो अगर आपके पास शनि महाराज की ढैया, साढ़े साथी या जो भी, जिससे भी परेशानियां आपको हो रही हैं, तो ये काले होने के नाते से वो भी समस्या का समाधान होता है, जिसका एहसास आपको धीरे धीरे चलता है। तो देखिए ये अब पत्तियां बन रही हैं, देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत निखर के आ गया है, बिल्कुल पत्तियाँ बन चुकी हैं। इसमें और कुछ करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ये आपका एक फ्लावर पॉट का फूल रेडी हुआ, जो फ्री हैंड से बनाया गया, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, आज खास चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो लोहे की तीली है, इसको नुकीला करने के लिए देखिए कैसे पत्थरों पर रगड़ा जा रहा है, बिल्कुल बारीक होता है, बहुत सावधानी से, बिल्कुल राउंड शेप में इसकी तीली होती है। तो मैं एक बार तीली दिखाने के लिए कहूँगा, देखिए ये तीली है, लोहे की तीली, इसी से डिजाइन बनाई जाती है। तो मित्रों मैं दिखाया आपको फ्लावर पॉट पे, ब्लैक पॉटरी के फ्लावर पॉट पे फूल कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए ये दूसरा फ्लावर बन रहा है, इस पर कई और फ्लावर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका मॉडल चौड़े किस्म का है, तो इस पर अलग बन सकता है। तो मैं समझ गया होगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्लैक पॉटरी पर डिज़ाइन की जाती है, वो भी फ्री हैंड से, इसलिए इसको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। देखिए ये बन रहा है बिल्कुल क्लियर, तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका ये जानकारी कैसे लगी, और वही फिर पुराने जुमले शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।